जय श्री राधे, जय श्री राधे। कुछ भी आरंभ करने से पहले आप सभी भक्त वैष्णवों को राधा अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि भगवत इच्छा के बगैर कोई चीज संभव नहीं है, तो ये ब्रज की स्वामिनी, पर शायद उनकी इच्छा हुई कि ब्रज से बाहर आप सब भक्तों के बीच में अपना प्रागट्य उत्सव मनाएं। पूरी रचना जो है वो उन्हीं के द्वारा रची गई है। कल कथा विश्राम हुई खरसिया में, तो हमारा एक छोटा सा भक्त है, कहाँ गया, बाहर गया है शायद, सुयस नाम है उसका। तो जब उसे पता लगा कि यहाँ आ रहे हैं, भिलाई में रहते हैं ये नीरज और दोनों बच्चे, बड़ा अच्छा ठाकुर जी के प्रति दोनों युवा हैं, बड़ा भाव है, तो ये बीज उसी ने बोया था मन में। उसने कहा कि राधाष्टमी आप यही मनाओगे, क्योंकि 4 तारीख तो जाने में भी निकल जाएगा, तो आप कहो तो कोई एक अच्छा सा हॉल लेकर के बुक करके मैं उसमें एक उत्सव रखूं राधाष्टमी का। तो जैसे उसने कहा तो मेरे मन में तुरंत याद आया कि हॉल की क्या आवश्यकता, हमारे पास इतने सारे भक्त हैं, तो क्यों ना वहां पर राधाष्टमी का उत्सव रखा जाए। तो फिर प्रकाश जी से बात हुई और आज हमारे राधे गोविंद आपके सामने हैं अपना उत्सव मनाने के लिए। ऐसा बहुत कम होता है कि ठाकुर जी खुद चल करके अपना उत्सव मनवाने के लिए ब्रज से बाहर आए। ब्रज में तो इनके उत्सव होते ही रहते हैं, कभी अभी पिछले मास झूलन उत्सव हुआ था, पर आज तो विशेष है, हमारी ठकुरानी का जन्म दिवस है, प्रागट्य उत्सव है। खैर मेरी सीट आज गलत है यहाँ पर, क्योंकि जब भी कोई उत्सव होता है मैं ना बोलती हूँ ना कुछ गाती हूँ, मैं बस बैठ कर के सामने अपने ठाकुर जी का दर्शन करती हूँ। पर चलो आज आप कर रहे हो, आपकी आंखों से मैं दर्शन कर लूंगी यहाँ से सीधा। और यहाँ इतने सुंदर श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, तो उनको मिलने की इच्छा होगी, सो उन्होंने ये सब रचना रची और आज यहाँ पर आपके मध्य। आप सब जानते हैं आज का उत्सव ब्रज में इतने धूमधाम से मनाया जाता है, सारा ब्रज आज श्री राधा रानी के रंग में रंगा हुआ है, चहु और राधा रानी के नाम का जय घोष जयकार, उनका जन्मोत्सव। और हो भी क्यों ना, ये जिस धरती पर, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, ऐसी पृथ्वी पर ऐसा ग्रह, पृथ्वी जैसे ग्रह आकाश गंगा में अनेकों हैं। विज्ञान ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास शक्ति नहीं है ये बताने की कि धरती जैसे और कितने ग्रह हैं, क्या क्या इस ब्रह्मांड में समाया है। ये ब्रह्मांड तो बस एक ब्रह्मांड है जो ब्रह्मा जी का है, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का है। शास्त्र कहते ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं,
कोई 10 मुख वाले ब्रह्मा जी किसी के स्वामी है, किसी के स्वामी सहस्त्र मुख वाले ब्रह्मा जी है। उन सब ब्रह्मांडों के भी स्वामी है भगवान नारायण, और उन भगवान नारायण के भी इष्ट है भगवान कृष्ण जो इस जगत को चलाते हैं, और उन भगवान श्री कृष्ण की भी कोई आराध्या है तो वो है श्रीमती राधारानी। यानी उस शक्ति से आगे और दूसरी कोई शक्ति है ही नहीं, वहां जाकर के दी एंड हो जाता है, फिर वहां से आगे कोई कोई शक्ति, कोई मार्ग, कोई रास्ता बचता ही नहीं है जो एक बार श्री राधा रानी के चरणों में पहुंच जाए। जैसे बहुत से लोग पहले देवी देवताओं का भजन करते हैं। कई बार लोग आते कहते हम पहले हनुमान जी में बड़ी श्रद्धा थी, फिर राम जी में हो गई, तो इसका मतलब क्या कि हनुमान जी ने आपका प्रमोशन कर दिया। भक्ति में भी प्रमोशन होते हैं, जैसे साधारण जॉब जो हम करते हैं ना उसमें प्रमोशन होते जाते हैं, हमारी पद बढ़ता जाता है, तो भक्ति में भी प्रमोशन होता है। तो देवता की आपने भक्ति की, उसने प्रसन्न होकर आपको भगवान की शरणागति दे दी। आपने शंकर जी का भजन किया, शंकर जी ने आपको कृष्ण के चरण दे दिए। अब कृष्ण की भी जब भक्ति पूर्ण हो जाएगी तब वो कहाँ आपको ट्रांसफर करेंगे? श्री राधा रानी के चरणों में। और वो एक ऐसा पद है कि फिर उससे आगे कोई प्रमोशन किसी की आवश्यकता है ही नहीं। वहां जो पहुंच गया वहां जन्म जन्मांतरों के लिए, युगों युगों के लिए वो वहीं जाकर के अटक जाता, अब इससे आगे कुछ नहीं। आप यकीन मानिए, हम ब्रज से जुड़े हुए हैं, श्री राधा रानी के उस धाम से जुड़े हुए हैं, हम ब्रजवासियों को राधा राधा के अलावा आता भी कुछ नहीं। कोई हमसे पूछे वेद बताओ, ज्ञान बताओ, तो भैया हमारा एक ही ज्ञान है, एक ही वेद है, एक ही हमारा धन है। ब्रज में गाते हैं ना एक पंक्ति, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारा धन भी यही है, हमारा मन भी यही है, हमारा तन भी यही, हमारा सर्वस्व श्री राधा रानी। तो अगर हमारा सर्वस्व राधा रानी है तो फिर ये जो साइड में बैठा ये कौन है? ये जो काला कलूटा सा बैठा है राधा रानी के बगल में, अगर सब कुछ राधा रानी है तो फिर इनको क्यों भजते हो? बोले इसको भी इसलिए भजते क्योंकि ये राधा रानी का प्रियतम है, हमारी राधा रानी को ये प्यारा है, इसलिए हम इसको भज रहे। इससे डायरेक्ट हमारा कोई संबंध नहीं है, ये ब्रज भाव है, ब्रज के सब लोगों का ये भाव, उनका कन्हैया से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं, हमारा लेना देना अपनी राधा रानी से। पर हाँ, ये राधा रानी से जुड़ा है, राधा रानी के प्रियतम है, इसलिए हम इनको भी भजते ताकि राधा रानी को प्रसन्नता हो। राधा रानी को किस में प्रसन्नता होती है? एक बार बरसाना में एक वन है, गहवर वन, बड़ा प्यारा वन है। उस वन में एक स्थान है मोर कुटी। वो मोर कुटी बड़ी प्यारी है, आज भी जब आप वहां कभी जाओ बरसाना तो दर्शन करना, बड़ा सुंदर स्थान है। तो मोर कुटी पर ये पूरा जो वन है गहवर वन बरसाना का, ये श्री राधा रानी ने खुद एक 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 फूल लगा के, वृक्ष लगा के उस वन को खुद राधा रानी ने सजाया अपने हाथों से। तो मोरकुटी पर एक दिन श्री स्वामिनी जी बैठी, जब उनको श्री राधा रानी को एकदम एकांत चाहिए ना, जब वो प्रेम में डूबी रहती है तब वो मोरकुटी पे जाती है अकेली। तो अकेली मोरकुटी पर राधा रानी चली गई। अब पीछे से सब सखियां भी भागी भागी गई कि राधा रानी का तो कोई भरोसा नहीं, कब कहां कृष्ण प्रेम में डूब के गिर जाए, मूर्छित हो जाए, कुछ नहीं पता रहता, कब कहां इनकी क्या अवस्था आ जाए, कोई भरोसा नहीं। तो सब सखी पीछे पीछे गई, तो छुप करके सब, क्योंकि राधा रानी के एकांत में बाधा भी नहीं बनना चाहती थी, तो एक कोने में पेड़ के पीछे छुप के झाक झाक के देख रही है कि क्या कर रही है राधा रानी। तो क्या देख रही है? ले राधा रानी हाथ में दाना लेकर के सब मोरों को बुला रही है, और जैसे राधा रानी दाना डालती है तो सब मोर एकदम दौड़ते भागते भागते राधा रानी के सामने आकर के खड़े हो गए। सारे ब्रज के जितने पक्षी हैं
कोयल, मोर, पपीहा सब श्री राधा रानी की चारों ओर आकर के बैठ गए। कोई कंधे पर बैठ गया है, कोई श्री राधा रानी के हाथ पर बैठ गया है, कोई चरणों में बैठ के मानो श्री जी के चरणों में अश्रु बहा रहा है, रो रहा है। ये सब पक्षी आपस में वहां बैठे थे। तो ब्रज के पक्षी भी चिन्ह में है, ब्रज के पक्षी बोल भी सकते हैं, ब्रज के पक्षी जब मन चाहे गोपी बन सकते हैं। ये ब्रज का चिन्मय धाम है। तो एक पक्षी, एक मयूर उसमें से बोला कि हे श्री राधे, आज हमारा मन कर रहा है कि कुछ आप सुनाओ, आप कुछ कहो, कुछ बोलो। तो श्री राधा रानी ने कहा, अच्छा सुनना चाहते हो। अब मयूर ने सोचा कि अगर मुझसे कोई कहेगा, हम तो जगत के बहुत साधारण जीव है, अगर मुझसे कोई कहे तो सुनाओ, तो क्या अपनी कथा थोड़ी सुनाएंगे, इनकी कथा सुनाएंगे। तो राधा रानी से कहा, तो किसकी कथा सुनाएंगे, किसके बारे में बोलेंगे? कृष्ण के बारे में पक्का? तो हमारे मन में तो यही आता कि कृष्ण 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 का नाम जपेंगे। पर राधा रानी ने राधा नाम संकीर्तन शुरू कर दिया, अपना नाम गा रही है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, खुद ही अपना नाम गाए जा रही है, अपने नाम का कीर्तन कर रही है, अपने नाम का गुणगान कर रही है। और ठाकुर जी वहीं कहीं छुप करके ये सब देख रहे हैं। ठाकुर जी भी नटखट है, वो भी कहीं पेड़ के पीछे छुप करके देख रहे हैं। धीरे धीरे मयूर नृत्य शुरू हो गया, मोर नाचने लगे, ठाकुर जी भी मोर बन करके श्री राधा रानी के सामने राधा नाम पर खूब नृत्य किए, खूब नाचे, गदगद हो गए, एकदम रोम रोम खेल उठा। फिर कृष्ण बन करके राधा रानी के सामने भी आया, राधा रानी का मिलन हुआ, दोनों में परस्पर कुछ बात हुई, और फिर उसके बाद कृष्ण विदा लेके वहां से चले। ये सारी लीला सखियां चुपचाप देख रही थी, सखी मंजरी सहचरी। तो जब सब लीला विश्राम हो गई, तब सब सखी राधा रानी के चरणों में आके बैठ गई। श्री राधा रानी एक पाषाण पर, पत्थर पर एकदम प्रकाश में बैठी है। तो अब किसी का अधिकार तो नहीं राधा रानी से प्रश्न करने का, पर उसमें एक ललिता सखी है, वो बड़े ऊंचे पद पर है, तो वो कभी कभी राधा रानी से जिज्ञासा पूछ लेती है। तो ललिता ने पूछा, ए श्री राधे एक बात बताइए, आप आई, आपने आके मोर को दाना चुगाया, सब अच्छा उत्सव हुआ, नृत्य हुआ, पर एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि अक्सर जब भी प्रेमी से कहा जाए तो वो तो अपने प्रियतम का गुणगान करता है, पर आप अपना ही नाम ले रही थी, तो ऐसा क्यों किया आपने? हमें मालूम है इसमें कोई रहस्य है, पर वो रहस्य हमें भी तो बताइए। तब प्रेम की देवी बोली, श्री राधा रानी कौन है? प्रेम की मूर्ति है, प्रेम की देवी है। श्री राधा रानी ने कहा कि हाँ, अगर साधारण जगत का प्रेम होता तो यही होना चाहिए कि अपने प्रियतम का गुणगान करो, लेकिन आज तुम्हें एक प्रेम का सूत्र दे रही हूं। सखियों को से कहती है, सखियों आज तुम्हें मैं एक प्रेम का सूत्र दे रही हूं, बताओ। कृष्ण यहाँ बैठे थे, हाँ, अगर मैं कृष्ण 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 बोलती तो क्या कृष्ण को सुख मिलता? कृष्ण को अपने नाम में सुख मिलता? सखियों ने कहा कि शायद नहीं, अपने नाम में क्यों सुख मिलेगा? और अगर मैं कृष्ण कृष्ण बोलती तो किसको सुख मिलता? सखियों ने कहा, आपको सुख मिलता, लेकिन प्रेम अपना सुख तो कभी नहीं देखता, प्रेम तो अपने प्रियतम का सुख देखता, उसको किसमें खुशी मिलती है और कृष्ण को किसमें खुशी मिलती है? राधा नाम में खुशी मिलती है, इसलिए कृष्ण के सुख के लिए मैं यहाँ बैठी बैठी अपना नाम लेती रही, ताकि कृष्ण सुने और वो सुखी हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए। हे सखियों, प्रेम का नाम अपना सुख देखना नहीं है, एक किंचित मात्र भी अगर अपना सुख देखोगी तो प्रेम प्रेम नहीं रहेगा। प्रेमी बनने के लिए जिनसे आप प्रेम करते हो ना, सिर्फ उनका सुख, परस्पर उनका आनंद देखना, उनको किस बात में खुशी मिलती है, क्या करें, क्या जीवन में ऐसा बोले, क्या पहने, क्या बनाएं, क्या प्रसादी पवाएं कि वो राजी हो जाए,
वो खुश हो। ये प्रेमी की पहचान है, ये प्रेम की पहचान है। प्रेम है तत् सुखे सुखित्वम, उनके सुख में सुखी रहना, यही प्रेम है। ऐसी है हमारी श्री राधा रानी, जो एक क्षण भी कृष्ण सुख के अलावा कुछ सोच नहीं, और उसी के विपरीत एकदम ठाकुर जी। ठाकुर जी भी एक क्षण श्री राधा रानी के सुख के बगैर और कुछ नहीं सोचते, केवल राधा रानी का सुख। यहां तक कि जब श्री राधा रानी कहीं धूप में से निकल करके, एक ऐसा प्रसंग आता है जहां श्री राधा रानी निकल करके धूप में से चली जाती हैं, और जब श्री राधा रानी चली गई तो उनके चरण जो है वो चरण जमीन पर छप गए। तो जब श्री राधा रानी चली गई और चरण जमीन पर छप गए, पीछे से श्याम सुंदर दौड़े दौड़े गए और अपना पीतांबर लेकर के, कहीं श्री राधा रानी के चरणों को धूप न लग जाए, ये सोचकर श्याम सुंदर पूरी दोपहरी अपने पीतांबर से राधा रानी के चरणों को ढके बैठे, चरणों की छांव को। अगर चरण प्राप्त हो जाए तो ठाकुर जी बावरे हो जाते हैं। श्री राधा रानी के चरणों की जिस दिन सेवा प्राप्त हो जाती है, आप कभी भी बरसाना जाना गए होंगे आप लोग राधा रानी के मंदिर, तो जब मंदिर में भीतर जाते हैं तो वहां लेफ्ट साइड को एक बड़ा सुंदर चित्र बना हुआ है, देखना आप जब भी जाओ। उसमें राधा रानी सोई हुई है और ललिता आदि सब उनके चरण दबा रही है, और ठाकुर जी जैसे बेड के नीचे कोई बैठ जाता ना हाथ जोड़ करके, वैसे ठाकुर जी हाथ जोड़ करके बैठे, और उसपे पद लिखा हुआ, बहुत प्यारा पद है। उसपे ठाकुर जी मनुहार कर रहे हैं ललिता को कि श्री जी तो सोई हुई है, इनकी तो आंखें बंद है, तो पता नहीं चलेगा कि कौन चरण दबा रहा है। तो हे ललिता, आज ये सौभाग्य मुझे दे दे, आज मुझे थोड़ी देर चरण सेवा का अवसर दे दे। ललिता कहती है, कर पाओगे तुम? ठाकुर जी बोले, क्यों नहीं कर पाएंगे, तुम कर सकती हो तो मैं नहीं कर सकता? तो बोले, करके देखो। और ललिता ने हाथ हटाया, ठाकुर जी बैठे, ठाकुर जी चरण दबाने को हुए, और जैसे चरणों का दर्शन किया, दर्शन करते ही रोम रोम गदगद हो गया, आंखों से अश्रु, मूर्छा अवस्था आने लगी। ठाकुर जी चाहते बहुत थे राधा रानी की चरण की सेवा करने, पर कभी कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि चरण देखते ही इनकी सब जो चेतना है वो एकदम सुप्त हो जाती है, सो जाती है। हाथ में श्री राधा रानी के चरणों को लेकर के ठाकुर जी हाथ कांपने लगते, शरीर कांपने लगते, और श्री राधा रानी को ठाकुर जी किस नाम से पुकारते। बड़ा प्यारा भाव है ये, ब्रज का खजाना जो होता है ना, ब्रज का खजाना, उसका ये एक रत्न है। ये हर जगह हर किसी को ना सुनाया जाता है, ना लोग समझ पाते हैं इसको, पर इस भाव में श्री ठाकुर जी राधा रानी को पुकार रहे हैं। जितने भी पद हैं वो सब गाए जाते हैं, या तो कोई भक्त गा रहा है, सूरदास जी गा रहे हैं, मीरा गा रहे हैं, पर ये जो पद है ये स्वयं श्री कृष्ण गा रहे हैं राधा रानी को मनाने के, जिसमें श्री ठाकुर जी कहते हैं, राधे
राधा रानी का नाम सबसे प्रिय है, वो है मनुहारिणी। ठाकुर जी जब इस नाम से पुकारते राधा रानी को, तो मतलब राधा रानी अभी मान समझते, साधारण जगत की भाषा में जिसे रूठना कहते हैं। तो जब श्री राधा रानी मान करती है, तब ठाकुर जी इस नाम से पुकारते, हे मनुहारिणी, हे प्रणत वत्सला, हे ब्रज भामनी, हे ब्रज गोप वंशमनी। ये सब श्री ठाकुर जी के प्रिय नाम हैं। तो इन नामों के द्वारा श्री श्याम सुंदर राधा रानी को पुकारते हैं, और जब इन नामों से ठाकुर जी पुकारते, तो श्री राधा रानी फिर अपने आप को रोक नहीं पाती और श्री श्याम सुंदर के सामने प्रकट हो जाती है। और श्री राधा रानी का भाव, कहते हैं कि एक दिन नटखट श्याम सुंदर को लगा कि हमको राधा रानी बनकर के आज निकुंज में जाना चाहिए। राधा कृष्ण की जो लीला होती है वो कुंज और निकुंजों में होती है। तो कृष्ण को लगा आज राधा रानी का स्वरूप बना के जाते। तो ठाकुर जी आज राधा रानी बन के वैसा ही लहंगा फरिया पहन के, वैसा श्रृंगार करके, वैसा रूप बना के कुंज में पहुंच गए। तो जैसे पहुंचे, ठाकुर जी को लगा ये सारी जो सखी राधा रानी की, सब राधा रानी को देख के एकदम जय हो हमारी स्वामी आ गई, खड़ी हो जाती है, लाइन लगा लेती है, तो हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन श्याम सुंदर आए तो किसी ने मुंह उठा के नहीं देखा इनको। ठाकुर जी उसने सोचा कोई गड़बड़ है क्या, तो थोड़ा शीशा विशा देखा, दर्पण देखा, तो कोई गड़बड़ नहीं थी। तो फिर एक सखी को रोका, अरे सखी रुक। तो सखी रुकी, बोले हाँ जी प्रभु, कहिए। मैं तुम्हारी स्वामिनी, मैं तुम्हारी राधा रानी, प्रणाम भी नहीं करोगी? तो सखी हंस करके साइड में से निकल के चली गई। फिर दूसरी आई, फिर श्याम सुंदर ने उसको रोका, अरे मैं तुम्हारी स्वामिनी राधा, प्रणाम नहीं करोगी? वो भी हंस करके चली गई। ठाकुर जी को लगा कि ये मैं श्रृंगार में कोई गड़बड़ नहीं, राधा रानी बनने में कोई गड़बड़ नहीं, फिर ये मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रही? तो एक को हाथ पकड़ लिया, बोले रुक,
क्यों तुम मानती नहीं मैं तुम्हारी राधा रानी, मैं तुम्हारी स्वामिनी हूं। तो वो सखी हंसने लगी और हंस के बोली, अरे नटखट श्याम सुंदर, एक बात बताओ, राधा रानी जैसा स्वरूप तो बना लोगे? मार्केट में कोई भी जाए, क्रीम पाउडर लाए, श्रृंगार करे, चोटी करे, और आप तो हो ही नटवर हो, तो राधा रानी जैसा स्वरूप तो बना लोगे, पर ये बताओ हमारी राधा रानी जैसा स्वभाव कहाँ से लाओगे? उनके जैसा दिल कहाँ से लाओगे? हमारी राधा रानी ने आज तक कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी स्वामिनी, और तुम जब से घुसे हो यही रट लगा रखी है, मैं तुम्हारी स्वामिनी, मैं तुम्हारी स्वामिनी। तुम्हारा बंडा तो तभी फूट गया जब तुमने कहा कि मैं स्वामिनी हूँ, क्योंकि हमारी श्री राधा रानी कभी कहती नहीं कि मैं स्वामिनी हूँ, तुम मेरी दासी हो, कभी नहीं। राधा रानी जैसा पहला है, पहले हृदय लाओ फिर राधा रानी बनना। तो ठाकुर जी के मन में ये बात एकदम लग गई, ये कैसा है राधा रानी का हृदय, मैं भी तो जानूं। तब ठाकुर जी आज से 500 वर्ष पूर्व बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप कृष्ण का था पर दिल राधा का था। इसलिए महाप्रभु की कभी आपने कथा सुनी हो तो दिनों दिन महाप्रभु पानी में पड़े पड़े बेहोश प्रेम में पड़े रहते थे। महाप्रभु जब रोते थे रात्रि को राधा राधा हरि बोल कहते कहते, तो सुबह उनकी तकिया को निचोड़ा जाता था, इतना उसमें अश्रु जल भरा होता था। तब जाकर के महाप्रभु ने श्री राधा रानी के स्वभाव को समझा, ऐसी हमारी स्वामिनी ब्रज की हमारी मालकिन श्री राधा रानी है। आज का वो पावन दिन है जब करुणा करके, जब करुणा करके, देखो क्या होता है, एक पेड़ पर बहुत ऊंची डाली पर फल लगा हो तो सब उसको पकड़ने की, तोड़ने की कोशिश करते, कोई पत्थर मारता, कोई डंडा मारता, लेकिन किसी के हाथ नहीं आता। लेकिन एक दिन अपने आप ही वो फल पकने लगता है, धीरे धीरे उसमें रस भरने लगता है, और जैसे जैसे रस भरता है उसका वजन बढ़ता है, और फिर वो टहनी अपने आप झुक करके नीचे आ जाती है, और अब वो झुक करके इतना नीचे आ गई कि जरा सा हाथ उठाओ तो तुरंत वो फल तुम्हारे पकड़ में आ जाएगा। ठीक वैसे ही श्री राधा रानी बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र ने जप तप के पत्थर फेंके कि जप करो तप करो तब राधा रानी को प्राप्त करेंगे, किसी ने अपने व्रत की लाठियों से राधा रानी को पकड़ने की कोशिश की पर कोई पकड़ नहीं पाया। लेकिन एक दिन जब श्री राधा रानी में स्वयं में करुणा का जल भर गया, रस भर गया, तो धीरे 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 वो अपना गोलोक छोड़ करके इसी धरती पर अवतार ले ली, और ऐसा अवतार ली कि अब उनको पाने के लिए ना तुमको डंडा मारना पड़ेगा, ना तुमको पत्थर फेंकना पड़ेगा, वो इतनी करीब आ गई कि जरा हाथ आगे बढ़ाओ और सामने आपको राधा रानी खड़ी मिल जाएगी। इतनी समीप आ गई, इतनी करीब आ गई कि कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ठाकुर जी ने पहले ही कह दिया था कि हे श्री राधा रानी, कृष्ण का अवतार हुआ, कृष्ण जन्म हुआ, देवता गए, देवताओं ने जाकर के स्तुति, कथा तो आप हर भागवत जी में सुनते होंगे, पर देवताओं ने जब स्तुति कर ली कृष्ण की कि प्रभु आप अवतार लो, तो ठाकुर जी बिना उनकी परमिशन के अवतार ले सकते हैं? तो देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश राधा रानी से प्रार्थना करने गए गोलोक धाम में कि ये स्वामिनी आप कृपा करो, आप धरती पर अवतार लेंगी तभी तो ठाकुर जी आएंगे। बहुत प्यारी कथा है ये, जब कई बार हमारा श्री राधा रानी के चरित्र के विषय में जब हम कथा करते तब इसको विस्तार से कहते कैसे कृष्ण का जन्म हुआ, उसमें श्री राधा रानी का क्या भाग रहा। तब राधा रानी ने कहा कि ठीक है मैं ब्रज जाऊंगी, लेकिन मेरा पूरा ब्रजमंडल संग चलेगा, अकेली नहीं जाऊंगी मैं। एक गांव का, एक देश का कोई राष्ट्रपति भी कहीं जाता है तो अकेला नहीं जाता, उसका तामझाम संग जाता है, उसका कुक साथ आएगा, उसकी सिक्योरिटी गार्ड साथ है। तो ये तो एक देश का राष्ट्रपति है, सोचो हमारे जगत की स्वामिनी अगर आएंगी तो अकेली आएंगी क्या? पूरा अपना परिकर, अपना स्थान, अपना ब्रज सब संग लेकर के आई, यमुना जी गोलोक से लेकर के आई, गिरिराज जी गोलोक से लेकर आई, ये वृंदावन जो धरती पर दिख रहा है ये कहां से आया?
ये सब गोलोक धाम से राधा रानी लेकर के आई और तब उनका प्रागट्य हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब श्री वृषभानु जी, राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ है? नहीं, बरसाना में तो पली बड़ी है, राधा रानी का बरसाना में पालन पोषण हुआ। जैसे कन्हैया का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा, एक रात रुके, फिर गोकुल, और गोकुल से नंदगांव पालन पोषण हुआ। तो राधा रानी का पालन पोषण बड़ी हुई लीला है बरसाने में, पर राधा रानी का जन्म गोकुल के पास ये गांव है रावल। क्या नाम है? रावल एक गांव है, उस रावल गांव में राधा रानी का जन्म हुआ है। क्योंकि वृषभानु जी रहते थे रावल गांव में और नंद बाबा रहते थे गोकुल में, पर जैसे आतंक बढ़ गया, पूतना आई, ये आए, वो आए, तो इन दोनों ने जगह स्थान परिवर्तित कर लिया, बदल लिया। तो नंद बाबा चले गए नंदगांव और वृषभानु जी चले गए। वृषभानु जी ने बरसाना बसाया, इसलिए उसका नाम वृषभानुपुर पड़ा। वृषभानुपुर वृषभानुपुर बदलते बदलते अब वो बरसाना हो गया। तो जन्म जो राधा रानी का प्रागट्य हुआ है वो रावल में हुआ है। आज भी आप कभी जाओ गोकुल, तो गोकुल से रावल जरूर जाना। तो रावल में यमुना जी एकदम सामने बहती है। अभी तो वहां से थोड़ा दूर हो गई है समय के अनुसार, पर उस समय वहीं से बहती हुई जाती थी। तो प्रातःकाल जब वृषभानु जी यमुना जी स्नान के लिए जाते हैं, तब देखते हैं कि कमल की पंखड़ियों के बीच में एक छोटी सी बड़ी सुंदर सी लाली यमुना जी में बहती हुई आ रही है। क्योंकि राधा रानी का तो गर्भ से जन्म नहीं हुआ है, श्री राधा रानी प्रकट हुई है यमुना नदी में, कमल पुष्प पर बहती बहती आई। वृषभानु जी को लगा घर में कोई हमारे लाली तो है नहीं, बेटा था श्रीराम, पुत्री थी नहीं, तो वृषभानु जी वो लाली को घर ले आए और नाम पड़ा श्री राधा। और तब से ही श्री राधा रानी का वो सुंदर लालन पोषण ब्रज में आरंभ हो गया। लीलाएं तो इतनी है कि क्या कहें, श्री राधा रानी की प्रागट्य की, उनकी छोटी छोटी बाल लीलाएं, उनकी बचपन की लीलाएं, कैसे श्याम सुंदर से पहली बार श्री राधा रानी जब मिली तो ये बावरे होके धरती पर गिर पड़े, जमीन पर गिर पड़े, श्री राधा रानी का रूप देख नहीं पाए। वेणु करान निपति तेन स्खलितम शिखंडम, बांसुरी गिर गई हाथ में से, मोर पिछ गिर करके जमीन पर श्री राधा रानी के चरणों पर आ गए। महीना भर तक नींद नहीं आई कि वो थी कौन वो कन्या। ग्वाल वालों ने कहा कि चलो तुमको बरसाना लेकर के चलते हैं। और तब श्याम सुंदर श्री राधा रानी से मिलने के लिए बरसाना आए, उनका सुंदर मिलन हुआ। तो ऐसी प्यारी प्यारी कथाएं हैं हमारी श्री राधा रानी की। आज उनका प्रागट्य है, आज उनका उत्सव है, आज उनका दिन है। आज के इस उत्सव में श्री राधा रानी कहते हैं कि जब उत्सव होता है, किसी का जन्मदिन होता है, तो उनको उपहार देना चाहिए। कहते हैं ना, किसी के बर्थडे पे जाते हो तो गिफ्ट लेके जाते हो, तो राधा रानी के लिए क्या लाए, क्या दोगे, बताओ बताओ, कुछ भी नहीं, खाली हाथ। अब आप कहोगे हम कौन होते हैं उनको देने वाले, ये सब डायलॉग पुराने हैं, सब उनका दिया है, सब ये तो सब जानते हैं, सबको पता है, सब उनका दिया है, ये शरीर, ये तन, ये धन, सब कुछ उनका दिया है। लेकिन एक चीज जो आपकी खुद की है वो है आपका प्रेम, वो आपको श्री राधा रानी के चरणों में अर्पित करना है। कि हमारे पास और कुछ नहीं, बाकी तो क्या देंगे, धन दौलत तो सब तुम्हारी दी हुई है, तुमको क्या चढ़ाएंगे, देने वाले को वापस दोगे तो क्या अच्छा लगेगा, कुछ अपना दो, और अपना क्या हो सकता, अपना है मन का प्रेम। हे स्वामी जो हम आपके चरणों में वो प्रेम पुष्प अर्पित कर रहे हैं, और बदले में आप भी ऐसी कृपा करो कि आप और श्री श्याम सुंदर दोनों सदा सदा के लिए हमारे चित्त में आकर के बैठ जाए। इसके अलावा कुछ चाहिए बताओ, अभी भी मौका है, बता दो, कुछ चाहिए, नौकरी लग जाए, धंधा बढ़िया नहीं चल रहा, थोड़ा ठीक चल जाए,
बेटा कहना नहीं मानता, थोड़ा मानने लग जाए, ये सब चाहिए तो वो भी मांग सकते हो। लेकिन इतनी बड़ी सरकार से चंद छोटी मोटी चीज मांगोगे तो ये तो उनका भी अपमान है। क्या ये छोटी मोटी चीज मांगो, वो चीज मांगो जो दुनिया नहीं दे सकती। दुनिया आपको भगवत प्रेम नहीं दे सकती, भगवत भक्ति नहीं दे सकती, वो यही दे सकती है, वो इनकी कृपा से प्राप्त हो सकता है। तो राधा रानी से एक प्रार्थना करें सभी, क्या देना है। हे श्री राधे, हमारे जीवन में ऐसी कृपा हो जाए कि आपकी एक कृपा की कोर कहते हैं नजर, एक कृपा की नजर हम पर डाल दो, एक दया की दृष्टि हम पर डाल दो, और बस वो दृष्टि की मांग आज के दिन आपके चरणारविंदों में कर रहे हैं, और हमें आशा है कि आप खाली हाथ नहीं भेजोगे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो श्री राम।
जय हो। हृदय नंद भर बोलो बधाई है, बधाई है। हृदय नंद भर बोलो बधाई है, बधाई है। हमारे भाग्य है जागे के लाली घर पे आई है, हमारे भाग्य है जागे के लाली घर पे आई है। धन्य भानुपुर सुंदर, धन्य वृष भानु नृप मंदिर, धन्य वृष भानुपुर सुंदर, धन्य वृष भानुपुर मंदिर। धन्य वह कक्ष मंगल कर अजन्मा जहाँ पे आई है, हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है, बधाई प्रागट्य की खूब खूब बधाई, खूब खूब बधाई कि आज इस राधाष्टमी का उत्सव यहाँ आप सबके मध्य में, मानो मैं तो यही कह सकती हूँ राधा रानी आई है तो खुद बरसाना चल करके आपके बीच में कृपा बरसाने आया है कि चलो आप बरसाना नहीं आ सकते तो बरसाना चल के आपके पास आ गया है। क्योंकि जहाँ श्री राधा रानी पहुंच जाए वही बरसाना है, वही धाम है। तो ऐसी हमारी स्वामिनी, हमारी प्राणाधार, हमारी प्रणत वत्सला, ये जो आपके सामने विराजमान है कोई साधारण मूर्ति नहीं है, कोई भी मूर्ति मूर्ति नहीं ये होती है, वो साक्षात विग्रह होता है। जो चाहते हैं इनकी ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि आप सुनोगे तो लगेगा कि वास्तविकता में मूर्ति समझना ही भूल है। हमारे जो ये राधे गोविंद हैं, बड़े निराले ढंग से आए थे हमारे पास। पहले इच्छा मन में जागी कि ठाकुर जी का विग्रह हो, विग्रह तो पहले भी था पर फिर आया कि नहीं, एक
मेरा बड़ा भाव था, एक मानसिक भाव था कि ऐसे चाहिए जिसमें श्री ठाकुर जी श्याम वर्ण के हों और श्री राधा रानी गौर वर्ण की हों। तो 23 तारीख निश्चित की गई। निश्चित क्या, वो 23 को हमारी वर्षगांठ थी, पहला वर्ष था। तो सोचा क्या दे, दुनिया देती है हीरा मोती सोना चांदी, तो क्या दे, तो मन में आया कि घर में ठाकुर जी लाते हैं, उसी भाव के जिस भाव से सोचा था। दिन बचे थे थोड़े से, अब उस थोड़े से दिन में कैसा कहां से लाए, वृंदावन में ढूंढे कहीं मिले नहीं, मिले बहुत पर जो भाव चाहिए था वो मिले नहीं। तो ऐसे ही अंग्रेजी में कहते ना रेंडमली, ऐसे ही बस वो सर्च किया गूगल पर ये कोई अच्छा मूर्तिकार जयपुर में, तो एक भैया मिल गए। तो उन्होंने कहा कैसे आपको मूर्ति चाहिए, तो उनको एक चित्र दे दिया कि लगभग इससे मिलता जुलता। उन्होंने कहा कितने बड़े चाहिए, 9-10 इंच के चाहिए। बोला इतने छोटे में तो ठाकुर जी मिल तो जाएंगे, पर उनके जो नेत्र नयन और वो जो नक्श जो बनते हैं वो इतने छोटे में कहाँ बन पाएंगे। तो कहा भैया प्रयास करिए, कोशिश करिए। तो उन्होंने प्रयास किया, कोशिश किया, और एक ही प्रयास में उन्होंने इस ठाकुर जी के स्वरूप को इतना सुंदर बनाया, श्री राधा रानी के स्वरूप को इतना सुंदर बनाया। श्री राधा रानी के नेत्रों में अगर आप 2-5 मिनट भी बैठ के ऐसे देख लोगे तो आपको लगेगा अब बोली, अब कुछ बोलने वाली है, अब कुछ कहने वाली है। और फिर आए कैसे, जयपुर जाने का टाइम था नहीं, तो भैया कैसे भेजोगे आप, तो बोले कि हमारे जयपुर से दिल्ली की एक बस चलती है, ड्राइवर हमारा पहचान वाला है, तो हम सीट पे रख देंगे तो अपने आप आ जाएंगे। तो उसने सीट पर इनको बिठा दिया और जयपुर से खुद अकेले चल करके आ गए वृंदावन अपने आप, कि आप वहां जब पहुंचेगा बस वाले को बोल देंगे आप आ जाना और इनको उतार लेना। तो ऐसे श्री ठाकुर जी हम सबके बीच में पधारे। तो आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आप सब तो देखो आप पर तो राधा रानी की खूबी कृपा है, मैं क्या कहूँ, आपकी गुरु की कृपा है और श्री राधा रानी की कृपा है कि आप, मैं जब भी देखती हूँ, अभी भी जब मैं प्रवेश कर रही थी तो हमारे बलराम भैया जी आपको राधा रानी की चर्चा ही सुना रहे थे। तो आप, मुझे ऐसा लगता है आप जब भी सुनते होंगे ठाकुर जी की भक्ति की बातें सुनते हैं। और महाराज श्री का तो एक भजन है वैकुंठ के सुख छोड़कर, मुझे बड़ा प्रिय है, इस कथा में भी मैंने गाया था अगर किसी ने सुना हो तो। और जब जब अवसर मिलता है तो भाव में उसको बहुत गाती हूँ, क्योंकि शब्द ही उसके इतने प्रिय हैं, प्यारे हैं। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा गुरुद्वार मिला जिन्होंने आपको भक्ति से जोड़ा। अन्यथा देखिए आज के समय में भटकाने वाले बहुत हैं, आपको भटकाने के लिए बहुत रास्ते मिल जाएंगे, ऐसा करो वैसा करो, तंत्र यंत्र मंत्र षड्यंत्र सब चलता है आजकल धर्म के नाम पर। लेकिन आपको सबसे निकाल के भक्ति, शुद्ध भक्ति से जोड़ा। आप भगवान की भक्ति की चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, और आपके व्यवहार से भी झलकता है कि आप सबको श्री ठाकुर जी से, श्री राधा रानी से कितना प्रेम है। और यही कारण है कि जब भी यहाँ आना होता है बिलासपुर, वैसे तो कम ही आना होता, पर जब भी आना होता है आप सब भक्तों से मिलना हो ही जाता है किसी ना किसी बहाने। और श्री राधा रानी यही कृपा करे कि आप सबकी भक्ति निरंतर ऐसी बढ़ती रहे, ऐसी आप सब भक्ति भजन से जुड़े रहें। आज राधा अष्टमी का उत्सव आप सबके मध्य आकर के श्री राधा रानी को यही इच्छा थी तो आपके मध्य आई और इस उत्सव को मनाया। तो आइए एक बार एक बधाई गाएंगे सभी श्री राधा रानी के चरणों में और नृत्य करते हुए गाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी के उत्सव में भी तो हम खूब उत्सव मनाते हैं, तो श्री राधा रानी के लिए भी। वृषभानुघर आनंद भयो जय हो राधा रानी की, वृषभानुघर आनंद भयो जय वृषभानुघर
आप सभी को राधा रानी की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आने का अवसर मिला इसलिए आप सभी के चरणों में खूब खूब प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय श्री कृष्ण। मैं बलराम जी से निवेदन करूंगा, एक भजन जरूर जरूर सुनाएंगे। आइए केवल एक मिनट। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, आ राधा रानी के चरण प्यारी श्यामा के चरण, राधा रानी के चरण प्यारी श्यामा के चरण, ओ प्यारी श्यामा के चरण श्री कृष्ण के चरण, प्यारी श्यामा के चरण श्री कृष्ण के चरण। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के 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 चरण। मत जइयो राधा रानी के चरण, जइयो राधा रानी के चरण, ओ प्यारी श्यामा के चरण प्यारी श्री जी के चरण, प्यारी श्यामा के चरण प्यारी श्री जी के चरण, ओ प्यारी श्यामा के चरण प्यारी श्री जी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा श्री राधिका कृष्ण वल्लभा, कृष्ण वल्लभा कृष्ण संयुक्ता, वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी, ओ कृष्ण प्रिया मदन मोहिनी, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, 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 ओ राधा रानी के चरण प्यारी श्री जी के चरण, राधा रानी के चरण प्यारी श्री जी के चरण, ओ प्यारी श्यामा के चरण प्यारी श्री जी के चरण, कृष्ण के चरण मेरे गोविंद के चरण, ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधे राधे द्वारिका राधे राधे,
राधे 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 रानियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव आयो लाल झूले